वही रुद्रपुर में जीएसटी विभाग की विजिलेंस टीम के द्वारा श्याम टॉकीज रोड पर नानक ट्रेडर्स पर छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने टैक्स चोरी की आशंका के चलते देहरादून से रुद्रपुर पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष इस कार्रवाई को सामान्य प्रक्रिया बताया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा पहले तो लाखों का टर्नओवर किया जा रहा था, लेकिन टैक्स भी जमा किया जा रहा था, लेकिन अब बीते कुछ महीने से टैक्स कम दिखाया जा रहा था और सेल परचेस को भी काम दर्शाया जा रहा था, जिस पर टीम के द्वारा देहरादून से रुद्रपुर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। निकल के सामने आया, देखिए जीएसटी विभाग का एक इंटेलिजेंस विभाग होता है, ये एक सर्वे होता है, ये लगातार ये बड़ी बड़ी फर्मों में सर्वे होते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ा कोई इसमें घबराहट की बात नहीं, कोई पैनिक होने का काम नहीं है। ये एक सर्वे लगातार चलते हैं, आप देखो अगर सिटकुल में बड़ी बड़े फर्म है वहाँ भी सर्वे कम नहीं होते रहते, लगातार इंटेलिजेंस के लोग आते हैं सर्वे करते हैं जीएसटी में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत नहीं है। जिसके बड़े टर्नओवर होते हैं वहाँ लोग आते हैं, और यहाँ पर हमारा अभी मैं एक घंटे से बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह के पैनिक होने जरूरत है, किसी व्यापारी को परेशान जरूरत है, सारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, कोई ऐसा विशेष चीज नहीं है। नहीं, किस चीज़ का टैक्स चोरी को लेके क्या है? नहीं नहीं नहीं, जीएसटी में देखो ना, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ये लगातार हमारे जो हम लोग सेल परचेज करते हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग होती है दिल्ली से, क्योंकि हमारी जितनी भी सेल परचेज होती है हम उसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर सर्वे चेक हमारे चेक होते रहते हैं। तो अब हरीश जी हमारे लगातार बीमार, हरीश जी ने काम कम कर दिया है,